कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए, जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है जैविक खाद। करौली के किसान भाई रसायन खाद को काम में लेने वाले अब ले रहे हैं जैविक खाद, वह अब इसकी उपयोगिता को समझने लगे हैं। जैविक से क्या होता है कि इसको अनाज में एक तो अलग ही वो रहता है मिठास, और दूसरा ये कि इसकी कोई हानि नहीं है। यूरिया जो केमिकल से क्या है कि आदमी शरीर में नुकसान पहुंचता है। अपना जो खेत होता है या सॉइल होती है मिट्टी, उसको भी ख़राब नहीं करती है। अगर आप किसी खेत में फर्टिलाइज़र को डालो तो उससे शुरू में तो पैदावार अच्छी होती है, लेकिन दो चार साल में फिर उसकी वो मात्रा कम होती जाती है, तो उसको बढ़ाते रहना पड़ता है। हमने जैविक खाद बना की प्रतिक्रियाएं कैसे सीखी? एक प्रशिक्षण लगा था, एक आपके कृषि उसे आत्मा के नाम से लोग आए थे, उन्होंने प्रशिक्षण दिया था। आपके गांव में कितने लोग हैं जो जैविक खाद को काम में लेते हैं? छोटा सा गांव है, लेकिन इसमें 50 लोग करीबन इसको काम में ले रहे हैं। और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कते रहते हैं, तो 5-7 दिन तक वो ठंडा हो जाता है। फिर उसको ऐसे लंबे, उसकी करीब 1.5-2 फुट चौड़ी और ऐसे 5-6 फुट लंबी उसकी वो बना देते हैं, ऐसी डोड़ सी, डेरी सी ऐसी लंबी, और फिर उसके उसमें पानी छिड़कते रहते हैं। और फिर उसमें वो जो अर्थवर्म्स होते हैं तो उनको फिर वो थोड़ा सा लेके और उसमें डाल देते हैं गोबर में। एक तरह से वो ट्यूब जैसी होती है, वो इधर से खाती है, इधर से पीछे से निकालते रहते हैं, तो उसके अंदर से जो गोबर पास होता रहता है वो खाद बनता रहता है। मेरे देश के किसान भाई अपनी सोच को बदले व कृषि विभाग द्वारा दिए जा रहे नए नए तकनीकी प्रशिक्षणों में भाग लें, जिससे नई नई तकनीकी का अनुभव हो और अच्छी से अच्छी फसल पैदा कर सकें। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहर्ड के लिए।